अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान टेक स्टूडियो। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको फ़ौरन मिल सके। आज का टॉपिक है जैज़ कैश के बारे में। जैज़ कैश पर आप एक CNIC पर दो अकाउंट बना सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना है कि आप एक CNIC पर दो अकाउंट बना सकते हैं। वो किस तरीके से बनाने हैं, आइए हम इस वीडियो में सीखते हैं कि हमने किस तरीके से बनाने हैं और क्या तरीकाकार है। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो को आप अक्सर लोग दोस्त जो है स्किप कर देते हैं, बाद में कमेंट्स में गलत बात करते हैं कि यार आपने फेक वीडियो बनाई इस तरीके से वो है। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना, स्किप नहीं करना। तो आइए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो तरीकाकार ये है कि अगर आपका पहले से ऑलरेडी कस्टमर अकाउंट बना हुआ है तो आप उस नंबर को छोड़कर आप किसी दूसरे नंबर पर अपना मार्जिन अकाउंट बना सकते हैं उसी CNIC पर जिस CNIC पे ऑलरेडी आपका कस्टमर अकाउंट बना हुआ है। तो आइए हम तरीकाकार जान लेते हैं कि वो किस तरीके से करना है और क्या उसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम अपना मार्जिन अकाउंट की जो एप्लीकेशन है हम उस पर चले जाते हैं। ये मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैं अपना जो ऑलरेडी मेरा जैज़ कैश कस्टमर अकाउंट चल रहा है उसका CNIC इसमें एंटर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा कस्टमर अकाउंट बना हुआ था वो जिस नंबर पर बना हुआ वो नंबर यहाँ पर एंटर नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर कहता है कि ऑलरेडी आपका जो है अकाउंट कस्टमर अकाउंट पर एक्टिवेट है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जैज़ कैश कस्टमर। ठीक है, तो मैं इसी नंबर पर जो CNIC लगा हुआ है उसी CNIC को मैं दूसरे नंबर पर ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा कि मतलब एक CNIC पे दो अकाउंट बनने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरा नंबर लिख लेता हूँ। ये मैंने दूसरा नंबर लिख लिया है, तो हम यहाँ से इसकी OTP फेच करवा लेते हैं। तो जी हाँ, ये फ्रेंड OTP फैच हो चुकी है, कोई मिस्टेक हो गई है शायद, OTP फैच नहीं हुआ। हम रिट्राई कर लेते हैं। तो जी हाँ, ये हमारा OTP फैच हो चुका है, OTP लग चुका है। और यहाँ पर ये देख सकता है कि हमारे पास CNIC मांगेगा और पर्सनल फ़ोटो मांगेगा, नैदरा वेरिफिकेशन मांगेगा, इस तरीके से फलाम बलाम ये है। ठीक है, तो हम IM ready पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये जो भी ऑप्शन आ रहे हैं ये आपके सामने सब आपको फिल करने होंगे। तो हम रेडी पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपना CNIC जो पिक्चर है हम उसको स्कैन भी कर सकते हैं और अपलोड भी कर सकते हैं अगर ऑलरेडी आपके पास मौजूद है मोबाइल में। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर लेते हैं और ये जो एरो आ रहा है यहाँ से आप गैलरी में जाकर अपनी पिक्चर अपलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से फ़ोटोज़ में चला जाता हूँ जहाँ पर मेरा CNIC पड़ा है, मैं वहाँ से अपना CNIC उठा लेता हूँ। तो ये मैंने अपना एक CNIC उठा लिया। वो अब ये मांग रहा है CNIC बैक, तो हम CNIC बैक इसमें अपलोड कर लेते हैं इसी तरीके से। तो मैं फिर यहाँ से अपना CNIC उठा के इसमें एंटर कर देता हूँ। तो जी हाँ, ये देख सकते हैं मेरा जो CNIC इसमें अपलोड हो चुका है। अपलोड करने के बाद हमारे ये सेल्फ़ पिक्चर मांगेगा, तो हमने अपनी सेल्फ़ पिक्चर दे देनी है। तो यहाँ से मैं इसका कैमरा ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा अंधेरे में बैठा हूँ तो मैं अपने मोबाइल की लाइट ओपन कर लेता हूँ एक सेकंड। तो ये हमारी पिक्चर हो गई है, हम इसको अपलोड कर लेते हैं। ये हमारी अपलोड हो रही है पिक्चर, उसके बाद ये पिक्चर भी अपलोड हो चुकी है। तो आपने यहाँ इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद वेरीफाई डिटेल पर क्लिक कर लेना और यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा CNIC और डेट ऑफ इशू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुकी है। मैं अपना CNIC को थोड़ा सा हाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आपने जो CNIC पर नेम लिखा हुआ फुल नेम आपने वही एंटर करना है। यहाँ पर मैं अपना फुल नेम लिख लेता हूँ, MUHA MUHA MAD मोहम्मद IMRAN SHA ID इमरान शाह। ठीक है, उसके बाद हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमसे पूछेगा मादर नेम और प्लेस ऑफ बर्थ, तो हम इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जो मेरी मदर का नेम आ गया है ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो हमारा आइडेंटिफिकेशन ये है प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये हमारा कबीर वाला खाने वाला हो गया। वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, कंग्रेचुलेशन योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है बिजनेस, तो हमारा अकाउंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे हमने अपना जो है मार्जेंट का, जैसे फॉर एग्जांपल दुकान का नेम हमने एंटर करना है, जो भी हमारा बिजनेस है उसका नेम हमने लिखना है। तो मैं यहाँ पे अपना जो है यही इमरान टेक स्टूडियो ही रहने देता हूँ। तो जो हमारा है कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पे मैं यही पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो मंथली इनकम है वो तकरीबन जितनी भी आपकी है तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 30,000 कर लेता हूँ। ठीक है, आप जितनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन 10,000 से कम नहीं रखनी, तो आपका मार्जिन जो बिज़नेस अकाउंट है वो आपका नहीं बन सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना जो लोकेशन है कि हमारी शॉप किस जगह पे है, तो उसके हम लोकेशन है यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिटी अपना कबीर वाला लिख लेता हूँ, बिज़नेस एड्रेस सरदारपुर, एक सेकंड, ये इसको भी मैं थोड़ा सा हाइड कर दूंगा, तो आपने माइंड नहीं करना क्योंकि ये पर्सनल इश्यूज होते हैं। तो मैं इसका जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ सरदारपुर आरवेडी रोड, सही है, और नियरेस्ट लैंडमार्क जो है हमारे पास हाई स्कूल है। उसके बाद वेरीफाई ईमेल, यहाँ पर हम अपना ईमेल एंटर कर लेते हैं। मेरी बैटरी लो हो चुकी है, तो उसके बाद वेरीफाई नाउ, यहाँ पर एंटर ओटीपी, जो हमारे ईमेल पर ओटीपी आया है। ठीक है, तो हम ओटीपी यहाँ पर जो हमें मिला है वो हम इसमें एक्टिवेट कर लेते हैं। कौन सा ओटीपी आया है हमें वो भी चेक कर लेते हैं। ओटीपी 51285, तो हम यहाँ पर अपना ओटीपी लिख लेते हैं 51285। ठीक है, ये हमें ईमेल पर ओटीपी आया था, ये हमने इसमें एंटर करना है। फेल्ड कॉल एंड एसएसटी सर्विस, ठीक है, एक सेकंड, शायद ओटीपी का मसला आ रहा है, ओटीपी फैच नहीं हो रहा, दोबारा ट्राई कर लेते हैं हम, एक सेकंड, हम रीसेंट ओटीपी पे कर क्लिक कर लेते हैं। वो फेसिंग सम टेम्प्रेरी इशू विद योर रिक्वेस्ट, ठीक है, ये एप्लीकेशन में कोई टेम्प्रेरी प्रॉब्लम आ चुका है, तो लेकिन आप इसी तरीके से बना सकते हैं। इस वक्त शायद गैस कैश का जो है बिजनेस अकाउंट का सर्वर है वो थोड़ा सा डाउन है, इस वजह से यहाँ पे इशू कर गया है। ओटीपी इसमें फेच होगा, उसके बाद आप अपना पिन लगा सकते हैं, पिन लगाने के बाद आप अपना अकाउंट लॉग इन भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें जो टेम्प्रेरी सर्वर प्रॉब्लम है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा है, तो आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।